के सुपरस्टार जैकी श्रॉफ हमेशा ही अपने लाडली प्यारे बेटे एक्टर टाइगर श्रॉफ की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अपने बेटे के साथ बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग शेयर करते हैं जैकी श्रॉफ। अक्सर देखा गया है कि जब भी जैकी श्रॉफ अपने बेटे के साथ किसी इवेंट में पहुंचते हैं, उस दौरान अपने बेटे पर भरपूर प्यार बरसाते हुए देखे जाते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो जैकी श्रॉफ ने हाल ही में अपने बेटे टाइगर श्रॉफ की परवरिश को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जैकी श्रॉफ ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया है कि बेटे की परवरिश करने में उनका कोई भी योगदान नहीं रहा है। दरअसल बता दें आपको कि जैकी श्रॉफ ने 3 माँ को श्रेय दिया है। जी हाँ, जैकी श्रॉफ ने बताया है कि आखिरकार कौन है वह 3 माँ जिन्होंने उनकी बेटी की परवरिश को बेहतरीन तरीके से किया है। हाल ही में जैकी श्रॉफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि बेटे टाइगर श्रॉफ के नए घर से लेकर उनके संघर्ष के बारे में जैकी श्रॉफ ने कहा है कि टाइगर की परवरिश करने में उनका कोई भी योगदान नहीं है। इसका क्रेडिट जैकी श्रॉफ ने अपनी पत्नी आयशा श्रॉफ और उनकी मां को दिया है। जैकी श्रॉफ ने कहा है कि 3 देवियों ने उनकी परवरिश की है, क्योंकि मैं हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। मैं बस जब भी वापस आता तो उससे लाड़ प्यार करता था। जैकी श्रॉफ कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मैंने उसे बिगाड़ा नहीं। वह पूरी तरह से एक अलग प्लेन पर है। जिस तरह से वह अपनी कला और फिटनेस के प्रति अनुशासित है, मैं उसके साथ काम करने को लेकर सीरियस बात नहीं करता। जब भी हम मिलते हैं, मैं उसके साथ किसी दूसरे माता पिता की तरह ही बर्ताव करता हूँ। हम दोस्तों की तरह बात करते हैं। मैं बस उनके काम की तारीफ करता हूँ, भगवान और उनके फैंस का धन्यवाद करता हूँ कि वह आज जो कुछ है उनकी वजह से है। इस तरह से जैकी श्रॉफ ने अपने बेटे टाइगर श्रॉफ को लेकर अपने दिल की बात कही है और अपने बेटे को लेकर यहाँ पर दिल की बात करते हुए तारीफ ही करते हुए नजर आई। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।